चैनल देसी खाना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मज़ेदार सी दम बिरयानी बना रही हूँ, दम अचारी बिरयानी। तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो चिकन मैंने लिया है, इसको मैंने हांडी में डाल के इसमें एक कप पानी का मैं शामिल करूँगी और फिर इसको मैं दम पे पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और ये तकरीबन 50% आपने इसको जो है ना वो गलना चाहिए आपका चिकन, ठीक है। तो अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ, अब मैं इसको दम के लिए रख रही हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। मैं चेक भी करती रहूँगी, अगर ये उससे पहले गल जाएगा तो फिर मैं इसका दम हटा दूँगी। अब मैं दम को खोलती हूँ, लेकिन चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन 50% गल चुका है। अब मैं इसमें एक प्याली दही डालूंगी। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला डालूंगी। आप घर के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के मसाले आप साबुत लें और उनको पीस कर, सारे मसालों को पीस कर, तो आप ये दही में शामिल करके ये इसमें शामिल कर दें आप। अब मैं इसमें प्याज, लहसुन, अदरक इन तीनों का पेस्ट बनाकर वो इसमें शामिल करूंगी। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ लिया है और चंद जवे मैंने लहसुन के लिए है और छोटा टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का। इन तीनों चीज़ों को मैंने पेस्ट इनका बनाकर वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दम पे रख दूंगी मैं। जी, चिकन हमारा दम में अच्छी तरह पक चुका है और हांडी में से निकाल कर मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि अब मैं इसमें चावल भी डालूंगी। तो अब मैं इसमें ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी। एक कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें चावल मैंने बॉईल किए थे नमक डाल के और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला था, थोड़े से लौंग डाले थे, एक बड़ी इलायची और एक पीस दालचीनी का डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अब ये मैंने थोड़ा सा अचार लिया है, पुदीने के पत्ते और ये प्याज मैंने जो है वो ब्राउन कर लिए थे, ये मैं इसके ऊपर डालूं। अब मैं ऑरेंज कलर डालूंगी इसमें, आप येलो भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको दम के लिए रख दूंगी। अब इसको बंद करने से पहले थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर से ये डाल रही हूँ। इसको दम के लिए मैं रख रही हूँ। ये मज़ेदार सी अचारी दम बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड क्लिक द बेल बटन फॉर माई न्यू रेसिपी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।